गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आशिमा सक्सेना एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी देख लिया, टाइटल है हमारा मीशो एसेसरीज। जो भी मैंने अभी रिसेंटली मीशो से एसेसरीज लिया है, बैग्स लिया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि उनके बारे में बात करेंगे, उनके प्राइस कैसे है, क्वालिटी कैसी है, एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले मीशो के बारे में बात कर लेते हैं कि मीशो क्या है। वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मीशो एक शॉपिंग ऐप है जिधर आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल रहता है, जैसे इंडियन ज्वेलरी हो गई, वेस्टर्न ज्वेलरी हो गई एंड होम डेकोर का सामान हो गया, इंडियन ड्रेसेस हो गए, वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो रिसेंटली एसेसरीज मैंने ली है मीशो से। तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, इस बार जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। एंड आजकल ना लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे इंडियन सूट पहना है तो उसके साथ ज्वेलरी लेते हैं, झुमका वगैरह वेयर करते हैं। बट जैसे अभी मैंने ये सिंपल टॉप डाला हुआ है वेस्टर्न, तो इसमें लोग नहीं करते एसेसराइज, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। तो आई थिंक आजकल हम लोगों को हर ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ एसेसराइज करना चाहिए। तो जो भी मैंने चीज़ें मंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को कि आप कैसे एसेसराइज कर सकते हैं। एंड सब कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट मंगाया है, यानी कि एक ही चीज़ मंगा ली है बहुत सारी, ऐसा नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मंगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है ये तीन बॉक्सेस, ये ज्वेलरी के बॉक्सेस है। इनमें एक में रिंग सेट है, एक में इयररिंग का सेट है और एक में ब्रेसलेट का सेट है। तीनों ही डिफरेंट है एंड तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूं। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स, अभी मेरे को नहीं पता तीनों सेम है बॉक्स, बाहर से देखते इसमें क्या निकलेगा वही मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें से निकला है और ये मेरे फेवरेट है एंड ये मैंने ऑलरेडी अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई है, फोटोशूट ब्लॉग जो नेक्स्ट आएगा उसमें मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं। तो ये रहे इयर रिंग्स एंड यू गाइस कैन सी इसमें 6 सेट है टोटल एंड सबके डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी चंकी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये पर्ल वाले हुप्स वाले हैं एंड ये जो आपको दिख रहे हैं इसका डिज़ाइन वैसे मेरी रिंग से काफ़ी मैच होता है और इसका डिज़ाइन काफ़ी चंकी सा है, अलग सा है और ये पूरा लूप नहीं है, ये हाफ लूप है, विच इज़ आप देख सकते हैं कैसा है। और ये थोड़े अलग है हैवी में, लाइक अभी जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी, मैं आपको सब वेयर करके दिखाऊंगी अभी, तो ये भी काफ़ी अच्छे लुक देंगे। और इसके अलावा ये तीन जो है यहाँ पे छोटे छोटे, लाइक कभी कभी आपको लगता है कि ये हैवी हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये वाले वेयर कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये मिले हैं मुझे सिर्फ ₹268 के एंड आई थिंक 268 में 6 पीसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है। एंड अभी मैंने ये सिंपल ड्रेस पहने, मैं 1 by 1 इसको आपको वेयर करके दिखाऊंगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ये बहुत ही हेल्प करेगा मेरे को अपने लुक चेंज करने में। तो इसको एसेसराइज करते हैं एंड मैं 1 by 1 आपको दिखाती हूँ कि सारे इयररिंग्स मेरे ऊपर कैसे लगे। सो गाइस, एज यू कैन सी इयररिंग डालने से ही कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है हमारे लुक में। तो आई थिंक अगर आप लोग नहीं करते हो, वार्डरोब में ये चीज़ें नहीं रखते हो एसेसरीज वगैरह, तो आप लोगों को ऐड करनी चाहिए। एंड आई थिंक इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि मतलब सब कुछ ही आपको मिल जाएगा। इयररिंग भी 6 इनफ है आई थिंक डिफरेंट लुक के अकॉर्डिंग एंड जो अभी मैं बाकी चीज़ें दिखाऊंगी वो भी लुक पे परफेक्ट जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो मैंने ऑर्डर करी है, ये रहा मेरा बॉक्स एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर करी है, मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी कि ये रियल में ऐसे दिखती थी एंड एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी अबाउट द क्वालिटी कि कैसी क्वालिटी आएगी, क्योंकि मेरे को ना
रहता है रिंग्स की क्वालिटी में, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैंने सेम डिज़ाइन देखा था बट मैंने कहीं और से मंगाया था एंड क्वालिटी बहुत बेकार रही थी, बट दिस टाइम क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो टोटल 15 रिंग्स हैं मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आप लोगों को नहीं दिख रही, पॉलिथीन में निकाल के ही दिखाती हूँ। सो ये रही मेरी रिंग्स एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंटिक डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हैं। सबका डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, और कुछ बड़ी है एंड कुछ ऐसे सिंपल में भी है। सो अभी मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ अपने हैंड पे और दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगेगी, और उससे पहले मैं ये वाली रिंग अपनी जो निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ। सो गाइस मैंने रिंग्स पहन ली है एंड दिस इज हाउ इट लुक। बहुत ही मतलब हैंड्स अच्छे लग रहे हैं, प्रीटी वाइब दे रहे हैं। एंड जो बेस्ट चीज़ है इन रिंग की, लाइक ये दोनों अलग अलग रिंग है और आप लोग देख सकते हैं इनको हम ऐसे स्टाइल कर सकते हैं कि अगर आपको सिंपल रखना है तो ऐसे इसके ऊपर ये ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे मैंने यहाँ पे किया, सेम ये हैवी रिंग है, इसके ऊपर ही ये, इसकी ना एकदम बोहू वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे हैंड्स एंड काफ़ी एक्सेसराइज हो गए हैं। मैंने अभी ज़्यादा साड़ी डाल के दिखाई है आप लोगों को, बट आप अपने अकॉर्डिंग वेयर कर सकते हैं। और अभी मैं इनको कम कर देती हूँ ज्वेलरी को, बाकी आप मेरा हैंड निहार लो, काफ़ी प्रिटी लग रहा है। बाकी मेरे नेल सब बढ़ते नहीं है, पता नहीं क्यों, पहले बहुत ग्रो करते थे, अब नहीं कर रहे आजकल। गाइस इनका प्राइस है ओनली रुपीज 198। 198 में मुझे 15 रिंग्स मिली है, लाइक 15 रुपए की शायद एक पड़ गई या उससे भी कम की। एंड आप लोग देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी, लाइक मेरे को क्वालिटी का बहुत इशू था कि क्वालिटी बेकार तो नहीं आएगी, तो क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। एंड इनके डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है, जो देखे थे बिल्कुल वैसे आए हैं। एंड आपके ऊपर है, लाइक मैं एक बारी मैंने सारी ही रिंग पहन के देख ली है, 15 रिंग्स है टोटल कि कैसे, और मेरे को थोड़ी थोड़ी लूज है, वैसे ये फ्री साइज़ है और मेरे फिंगर्स जो है बहुत पतली है, मतलब बहुत छोटा साइज़ है। आप जो मेरी ये वाली रिंग देखोगे, ये देखो कितनी ज़्यादा छोटी, मेरा रिंग का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ लूज है, दैट आई विल मैनेज। एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे हैंड, लाइक लुक आ रही है पूरी। पर अब आप अपने अकॉर्डिंग करोगे कि आपको कितने रिंग्स चाहिए, तो इनमें से मैं अभी थोड़ी बहुत निकाल लेती हूँ। सो गाइस अभी के लिए मैंने सिर्फ इतनी ही रिंग ली है एंड ये दोनों अलग अलग है और काफ़ी साथ में ऐसे करके अच्छी लग रही है। सो गाइस अभी के लिए तो मैंने सिर्फ इतनी रिंग्स पहन ली और ये अलग अलग है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे अलग करके भी पहन सकते हैं, बट ऐसे काफ़ी डिफरेंट लग रही है कि ये कैसे पहन सकते हैं, कुछ इस टाइप की लग रही है, तो अभी मैं ऐसे पहन रही हूँ। सो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो मेरे पास है यहाँ पे, एंड ये है, अभी तक देख लो इयर रिंग्स हो गए, रिंग हो गई, अब आ रहे हैं ब्रेसलेट। सो ये रहे मेरे पास ब्रेसलेट एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और डिफरेंट है बाकियों से, मतलब जो नॉर्मल मिल जाता है ना वैसा स्टफ नहीं है, कुछ मेरे को यूनिक अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने लास्ट मीशो हॉल भी देखा होगा, उसमें भी मैंने यूनिक स्टफ ही मंगाया और इस बार भी यूनिक ही मंगाया। तो ये रहे ब्रेसलेट, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें मुझे 4 ब्रेसलेट मिले हैं, पहला ये ऐसे ब्रेसलेट है और कड़े जैसा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सा है। तो फर्स्ट ये है मेरे पास, सेकंड ये है, ये एक सिंपल चेन आ रही है ऐसे और ये भी काफ़ी प्रिटी है। थर्ड वन है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये भी कुछ डिफरेंट सा डिज़ाइन है। एंड ये फोर्थ वन है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत सोबर सा, बहुत अच्छा सा ये वाला मेरा, इन चारों में बोल रही हूँ मैं, इन चारों में मेरा ये वाला फेवरेट है। तो अभी इसको वेयर करते हैं और आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं जैसे पिक्चर में दे रखा है कि लाइक चारों ही पहन लो, और अलग अलग करके भी पहन सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी के लुक के लिए मैं ये वाला ब्रेसलेट पहन रही हूँ, मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड इनका प्राइस मैं बताना भूल गई, इनका प्राइस है ₹239 एंड 239 में मेरे को मिले हैं 4 ब्रेसलेट, जो कि आई थिंक वर्थ द प्राइस है, क्वालिटी भी अच्छी है एंड यूनिक भी है। तो 240 में ब्रेसलेट, आप लोगों को भी पता अगर आप लेते होगे एक मिलता होगा अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लोगे, तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही परफेक्ट है।
सो गाइस अब बात करते हैं हमारी लास्ट एसेसरी की, मतलब अभी और भी चीजें बट एसेसरीज में अभी ये लास्ट चीज है एंड आई थिंक ये मस्ट हैव है, होनी चाहिए लड़कियों के पास, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है होनी चाहिए बट एक मतलब स्टाइलिश लुक भी देगा और एक मतलब वैल्यूएबल भी है। तो ये रही मेरे पास वॉच। अब कई लोग सोच रहे हैं ये वॉच आपके पास पहले भी थी, तो मेरे पास ये वॉच थी। आप लोगों ने अगर जिन लोगों ने मेरी ज्वेलरी कलेक्शन वाली वीडियो देखी है उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये वॉच तब थी मेरे पास और उसमें मैंने बोला था ये मेरी फेवरेट वॉच है। बट क्या हुआ, वो मेरी वॉच खो गई। और ये मेरी फेवरेट क्यों, क्योंकि मेरी ना कलाई बहुत ज़्यादा पतली, अगर आप लोगों को भी पतली कलाई, आप लोगों की भी पतली कलाई है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें ना ये मैग्नेटिक है तो इसको पहनने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, आप इसको सिंपली ऐसे वेयर कर सकते हैं। एंड एंड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दी एडजस्ट एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वरना ना मेरे हाथों में कोई भी वॉच फिट नहीं होती है, इसलिए मैं रोती रहती हूँ कि क्यों फिट नहीं होती। एंड जो लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन ली थी वो आई थिंक मुझे कुछ 350 या 300 की मिली थी एंड इस टाइम मैंने अभी जब मीशो पे मैं सर्च करी तो मुझे ये वॉच दिखी और मैं खुश हो गई कि फाइनली चलो जो खो गई थी मुझे दुख था अब वो मिल चुकी है। एंड इस बार ये मुझे मिली है ₹210 में, कम में भी मिली है। एंड इसमें उसमें डायमंड्स ऐड नहीं थे, इसमें डायमंड्स भी ऐड है तो काफ़ी अच्छे लुक दे रहा है। एंड आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, लाइक एक वॉच हो गई हैंड में और ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने एक ही डाला है पर कितनी ज़्यादा अच्छी लुक लग रही है इसकी। अगर आप ऐसे वॉच लो और एक ब्रेसलेट पहनो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे तो। सो गाइस अब हमारी एसेसरीज तो सारी हो गई, इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गए, ब्रेसलेट वॉच सब हो गया, तो मैंने सोचा और कुछ भी लुक ऐड करते हैं जिससे हमारा लुक बहुत और अच्छा लग सकता है। तो किससे अच्छे लग सकता है, वो होते हैं बैग्स। तो मैंने दो बैग ऑर्डर करे हैं मीशो से। मेरे पास ब्लैक बेसिक बैग बहुत है एंड मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था तो मैंने ये ऑर्डर करा। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और जो बेस्ट चीज़ है ये हैंड बैग तो है ही, इसके अंदर एक ये मेरे को मिला जिससे मैं इसको स्लिंग बैग भी बना सकती हूँ एंड इसके साइड में ये मैं भी आपको बताती हूँ ये कैसे लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपली इसके अंदर। सो अभी मेरा हैंड बैग बन चुका है मेरे लिए स्लिंग बैग एंड काफ़ी स्पेशियस है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है। अभी तो ऐसे न्यूज़पेपर डले हुए हैं तो क्योंकि वो उसका स्पेस जाए ना, काफ़ी स्पेस है इसमें, फ़ोन आ सकता है, चार्जर आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। एंड मेरे को वाइट में एक अच्छी क्वालिटी का बैग नहीं मिल रहा था तो अब मुझे मिल चुका है। एक बेसिक वाइट और ब्लैक होना ही चाहिए, मतलब सही रहता है। मेरे पास है ब्लैक ऑलरेडी तो मेरे पास वाइट नहीं था इसलिए मैंने इस बार ही वाइट ऑर्डर किया और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एक वो काफ़ी बड़े साइज में होता है, वो ना मम्मी वगैरह कैरी करती है तो अच्छा लगता है। ये काफ़ी छोटू सा है, हैंड में बहुत क्यूट लग रहा है तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसका प्राइस है ₹476, आई थिंक वर्थ है क्योंकि 2-in-1 हो गया, हैंड बैग भी हो गया और स्लिंग बैग भी हो गया, तो 476 में वर्थ द प्राइस है। बहुत मुझे अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। सो गाइस अब मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरी लास्ट परचेज है, मतलब लास्ट परचेज इन द वीडियो, इन दिस वीडियो ओनली। और तो मुझे दुख हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरे हॉल वीडियोस देखेंगे तो मेरे को जो लास्ट चीज़ दिखाते हैं बहुत दुख होता है। तो ये रही है मेरी लास्ट चीज़ जो कि ये पिंक बैग क्यूट सा, मेरे को मतलब था कि ना सारे कलर के बैग होने चाहिए बेसिक, वैसे तो ब्लैक और वाइट बेसिक है होने चाहिए, पर उसके अलावा मैं सोच रही थी कि कुछ और कलर भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि वाइट में एक और मंगाती या ब्लैक में ही तो फिर बेवकूफ़ी होती। तो मैंने पिंक कलर मंगाया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कलर, वैसे आई एम नॉट ज़्यादा गर्लिश की पिंक मंगाऊं तो, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने इस बार ये ऑर्डर किया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, यू कैन सी। एंड इसका प्राइस है ₹522 only, तो आई थिंक वर्थ द प्राइस है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी तो इसके अंदर ये सब निकल रहा है
को मैं खोल के दिखाती हूँ। ओके सो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसके अंदर एक और चैन दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है और काफ़ी स्टाइलिश भी है, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते। सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी और मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी है एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड एवरीथिंग कौन सी चीज़ अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा। एंड आई थिंक आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा कि थोड़ा बहुत एसेसरीज पहन के भी हम कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा मैं जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो एकदम सिंपल लग रही थी एंड नाउ कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं। मैं फ्रंट भी करती हूँ ऐसे ऐसे करके, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ ऐड करके अपना लुक डिफरेंट कर सकते हैं। सो यस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।